मैं पंडित महेश कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सिद्धि प्राप्ति के 6 मंत्रों के बारे में। अलग अलग कामना हेतु अलग अलग मंत्रों का हम प्रयोग करेंगे। किस कामना के लिए किस देवता की पूजा करनी है, क्या मंत्र बोलना है और मंत्र का जाप कैसे करना है, आज हम इस बात का वर्णन करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बल एवं कार्य सिद्धि मंत्र। इस मंत्र के देवता हैं हनुमान जी। इस मंत्र का जाप हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठ करके करना चाहिए। बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र से बल एवं कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंत्र है ओम बले बले महाबलेश्वर असिद्धि साधनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप प्रातः काल करना चाहिए और एक मास के अंदर 1.25 लाख मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। इससे बल एवं अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 2 पे है लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र। इस मंत्र का जाप लक्ष्मी माता की तस्वीर के सामने लाल आसन पे बैठकर के करना चाहिए और कमल गट्टा की माला हो और रात्रि के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली ये मंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जातक पे लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगला नंबर 3 पे है श्रेष्ठ वर प्राप्ति मंत्र। इस मंत्र के जाप से भगवान कृष्ण के समान श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये भगवती के सामने लाल आसन बिछा करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगला है सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति मंत्र। इस मंत्र से सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है जो पति के अनुकूल होती है। मंत्र है पत्नी मनोर माम देही मनोवर्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। भगवान शंकर और पार्वती जी की तस्वीर के समक्ष बैठ करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए और प्रातः काल इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 5 पे है पुत्र प्राप्ति मंत्र। इस मंत्र की कृपा से भगवान कृष्ण के समान पुत्र की प्राप्ति होती है। मंत्र है देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठ करके करना चाहिए। पीला आसन होना चाहिए और माला तुलसी की होनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद में यही प्रसाद पति और पत्नी दोनों को ग्रहण करना चाहिए। और अब अंत में है आपत्ति निवारक मंत्र। इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से करना चाहिए। इस मंत्र से किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, वो दूर हो जाता है। मंत्र है
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरेय परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप भगवान श्री कृष्ण की इस तस्वीर के सामने पीले आसन पर बैठ करके तुलसी की माला से करना चाहिए। इस मंत्र से अचानक जो हमारे जीवन में संकट आने वाला होता है उसकी निवृत्ति होती है। जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आए तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से वो संकट जल्दी हमसे दूर हो जाता है। तो मित्रों, ये थे सिद्धि प्राप्ति के 6 मंत्र। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और ऐसे ही नए नए मंत्रों को जानने के लिए और ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो मित्रों, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।